हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। मैं हूं पूनम मिश्रा। मैं आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से 600 के बीच हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा प्राइवेट कॉलेज में, और तीसरा किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बस उनके बजट के अनुसार हम उनको बताएंगे कि इतने मार्क्स पे उनको कौन कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज का ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से 550 के बीच है, उनको किन किन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो जिनके पास बजट है 11,77,000 से बजट स्टार्ट होता है, और लगभग 13,20,000 तक का जिन स्टूडेंट्स के पास बजट है, वो यूपी में टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हैं, और उनके मार्क्स होने चाहिए 500 से लेकर के 550 के बीच। अब आ जाते हैं बिहार की बात करें। बिहार में के प्राइवेट कॉलेज के जिनके पास बजट है 8,38,000 से 9,35,000 तक का, और जिन्होंने मार्क्स अर्न किए 500 से लेके 555 के बीच, वो बिहार स्टेट को चूज कर सकते हैं। बशर्ते इन स्टेट के उनके पास डोमेसाइल का होना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, और इन दोनों जगह 1 ईयर का आपको बैंक बॉन्ड साइन करना पड़ता है। तो आप पहले एडमिशन लेने से पहले आप बॉन्ड ज़रूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जो फीस है 12,50,000, और मार्क्स होने चाहिए आपके 500 से लेके 530 के बीच। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। 12 लाख से लेकर के आपका ये फीस पड़ेगा लगभग 12,20,000 के करीब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके मार्क्स होने चाहिए 500 से लेके 550। ये जो 12 लाख मैं बता रही हूँ, पर ईयर का बता रही हूँ। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी 12 लाख तक का फीस आपको देना पड़ सकता है, और मार्क्स जो है 500 से लेके 540। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू प्राइवेट कॉलेज के। तो इनकी जो फीस है 16,20,000 है, और जो मार्क्स होने चाहिए 540 से लेकर के 550। तो ये तो रहे आपके 500 से लेकर 550 के बीच। अब देखते हैं कि 500 प्लस पे किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉलेज के जो है आप 500 प्लस जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, स्कूल आप मेडिकल साइंस शारदा ग्रेटर नोएडा में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में टॉप मोस्ट का कॉलेज है, और इसकी जो फीस है वो 12,70,000 इस कॉलेज की फीस है, और ये यूपी का कॉलेज है। उसके बाद SRMS श्री राम मूर्ति बरेली का कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है SRMS, और इसका जो फीस है वो 13,75,000 पर ईयर है। इसके बाद आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दोनों ही बिहार के कॉलेज हैं और दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज हैं, और इस कॉलेज की जो फीस है कटिहार की बात करें तो 9,35,000 है, और माता गुजरी की जो है 13,50,000 है। तो ये भी आपके बजट के में अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में है, इसकी फ़ीस 6,15,000 है, और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में, इसकी फ़ीस जो है 16 लाख है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में, इसकी फ़ीस 12 लाख है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 500 प्लस हैं, वो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा ग्रेटर नोएडा में है, ये भी टॉप मोस्ट यूपी का कॉलेज है, और इसकी जो फ़ीस है 12,70,000 है। SRMS बरेली का कॉलेज है, इसकी फ़ीस है 13,74,000 पर ईयर है। कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दोनों बिहार स्टेट में है, और इसकी फ़ीस देखी जाए तो 9,35,000 है, और माता गुजरी की 13,80,000 है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में कॉलेज है, इसकी फ़ीस 6,15,000 है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और इसकी फ़ीस है 16 लाख। तो हमने 500 प्लस मार्क्स वाले जो कैटेगरी है,
जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 प्लस है वो इन कॉलेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने 550 मार्क्स है वो इन कॉलेजों को चूज कर सकते हैं। केपीसी मेड का कॉलेज कोलकाता, जिनका बजट है 12 लाख पर ईयर। SSIMS दावेनगिरी, ये जो है जे जे दावेनगिरी का जो है सेकेंड कैंपस है, जो कि 17 साल पुराना कॉलेज है बंगलोर का। इसकी जो फ़ीस है वो 9,94,000 है। इसके कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जिसकी फ़ीस जो है 17,70,000 है। और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में है, इसकी फ़ीस 10,50,000 है। उसका सिम्बियोसिस मेडिकल कॉलेज पूना, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो लोग फीमेल हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सिम्बियोसिस भी बहुत अच्छा कॉलेज है और इसका पैकेज भी कम है, 12 लाख पर ईयर है। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 प्लस हैं वो टॉप मोस्ट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जॉन मेडिकल कॉलेज बंगलोर, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, 6,70,000 फीस है। और इस कॉलेज में लोगों का सपना होता है बंगलोर का कॉलेज एडमिशन लेने के लिए। MS रमैया मेडिकल कॉलेज बंगलोर, ये भी इसकी फ़ीस जो है 9,94,000 है। और इन कॉलेजों में एक साल का आपका रूरल बॉन्ड साइन करना होता है। उसके बाद जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज केरला, ये कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है और इसमें फ़ीस जो है वो कम है, 6,95,000 है। JJM मेडिकल कॉलेज दावेनगिरी, इसकी जो फ़ीस है वो 9,94,000 है। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसमें जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 प्लस हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बताते हैं कि अगर आपके मार्क्स 600 प्लस हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज हम आपको बताएंगे जिसमें आपके मार्क्स 600 प्लस है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कि इतने मार्क्स पे अगर आपके 550 से लेकर के 600 प्लस मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और आपके पास बजट है तो आप स्टेट के बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको सीटें किस किस स्टेट में मिल सकती हैं। देखिए, एक तो आपका वेस्ट बंगाल में अगर आपके मार्क्स 573 है तो आप वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में अगर आपके मार्क्स 572 है तो आप उत्तराखंड स्टेट चूज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश MP की बात करें तो MP में अगर आपके मार्क्स 551 है तो आप MP में आप चूज कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट की बात करें, अगर कर्नाटका स्टेट में अगर आपके मार्क्स 550 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में अगर आपके मार्क्स 540 है तो आप आंध्र प्रदेश स्टेट को चूज कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट को आप चूज कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स 560 है तो आप महाराष्ट्र स्टेट को चूज कर सकते हैं। तेलंगाना को आप चूज कर सकते हैं, तेलंगाना की कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाती है, तो अगर आपके मार्क्स 520 है तो आप तेलंगाना स्टेट को चूज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ आप चूज कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की भी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, 540 मार्क्स है तो आप छत्तीसगढ़ स्टेट को चूज कर सकते हैं। गुजरात को आप चूज कर सकते हैं, गुजरात स्टेट का देखा जाए अगर आपके मार्क्स 570 है तो आप गुजरात स्टेट को भी चूज कर सकते हैं। तो ये इतने स्टेट हैं जिनमें आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। बस उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, प्लस आप एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि उस स्टेट का बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ज़्यादातर सभी स्टेट इसमें हैं जो कि बॉन्ड साइन कराते हैं। 1 ईयर का बॉन्ड तो लगभग सभी स्टेट करवाते हैं, तो इसलिए आपको एडमिशन लेने से पहले अप्लाई करने से पहले आपको उस स्टेट का बॉन्ड जरूर देख लेना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 500 से लेकर के 600 के बीच जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको मैंने बताया कि वो इन इन स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हैं। हमने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।